मेरे पापा की सब्जी की दुकान है, वही चलाते हैं। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 40-41 लाख के मेरे लॉस में चला गया था। तो आपने 40 लाख के लॉस के बाद फिर उसको प्रॉफिटेबल कैसे किया? जो लास्ट रिमेनिंग कैपिटल था मेरे पास 4 लाख, उसी से मैंने वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मेजर गलती थी कि मैं लॉसेस को होल्ड कर रहा हूँ, प्रॉफिट छोटे छोटे पकड़ रहा हूँ। मैंने वहाँ से एक चीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि प्रॉफिट्स जो है, ठीक है, मेरी कैपेसिटी उतनी है, लॉस को बड़ा क्यों लेके जाऊंगा, लॉस को भी उतना ही कट करो ना। वो चीज इंप्लीमेंट किया और उस फेज पर तो मैं लॉस लेता ही नहीं था। मतलब ऐसा था कि ट्रेड डालो और प्रॉफिट मिला तो ठीक है, लॉस में जान लेके मैं काट देता क्योंकि पैसा ही नहीं बचेगा तो क्या फायदा। तो वही चीज करके मैं 4 महीने में प्रॉफिट बनाया था अराउंड 1 CR के आसपास। आपको अभी पता चला क्या रिसेंटली स्टॉक बर्नर के बारे में? स्टॉक बर्नर पता है कौन है? हाँ भाई, मैंने सुना तो था उसका नाम, वो यूट्यूबर कुछ है, वो 40 लाख कुछ लॉस रिकवर किया था उसने। जी 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 बिल्कुल। सो हुआ क्या? वो एक्चुअली एक ट्रेडर यूट्यूबर सब कुछ है और अभी बहुत न्यूज में चल रहा है वो। तो न्यूज में ये बता रहा है कि वो फ्रॉड बेसिकली। एक्चुअली हुआ क्या है, मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल आया था, उस पर लिखा था कि जीरोधा और एंजल वन का जो पार्टनर था उसको पार्टनर प्रोग्राम से किक आउट किया है। रीजन ये है कि अच्छा। वो मैनिपुलेट कर रहा है अपने स्क्रीनशॉट दिखा के प्रॉफिट। ओके ओके ओके, ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली उसने आज तक ट्रेडिंग की भी होगी बट इतना प्रॉफिट बनाया नहीं है, सब कुछ झूठ है। पूरा बेस था, एक स्टोरी लाइन थी कि उसने 40 लाख का लॉस किया और 40 लाख से 1 CR तक है, पूरा एक स्टोरी लाइन था, ऐसा रिपोर्ट बोल रहे हैं। ओके 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 ओके, ये पूरा उसने किया था, पूरा स्क्रिप्ट था, क्या था पता नहीं, बट जितना मैं न्यूज देके रिपोर्ट रेड किया तो उतना। बट मैं भी एक्चुअली धीरे धीरे वही समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई उसने बताया कि उसके पापा कुछ फ्रूट सेलर है और फिर उसने अपने दोस्त से भी पैसा मांगा, तो मुझे वो बात हजम नहीं हुई। बट एक्चुअली होता क्या है ना कि वो उसने PNL शेयर कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इफ आप उसके ट्रेड देखोगे ना, उसने बोला मेरे पास लास्ट 4 लैक्स बचे, ठीक है। उसके नीचे उसका पर्टिकुलर लेजर था जिसमें कितनी क्वांटिटीज ली तो बताया था। सो अभी जीरोधा और एंजल वन है ना, आपको सिक्योरिटी प्लेज करके देता है, आपको डायरेक्ट मार्जिन नहीं देता, सिक्योरिटी प्लेज अलग है, मार्जिन अलग होता है, ठीक है। सो 4 लाख बचे थे, तो उसने ट्रेड किया था 50,000 × 119 का LTP था कोई तो प्रीमियम का। सो टोटल होता है 59-60 लाख रुपीज़ अभी वो बोल, और उसने सेल किया था 1 रुपी पे 50,000 रुपीज प्रॉफिट बुक किया। आप ये सोचिए कि 4 लाख बचा है, सो उसने 59 लाख के ऑप्शन लिए कैसे, मेजोरिटी ऑफ अमाउंट। और एक चीज़ जो उसका पीएनएल शेयर किया है ना, जितना प्रॉफिट था ना उसका, जितना लॉस कट करते ना, तो जो बैलेंस पीएनएल था ना, वो टोटल पीएनएल से भी मैच नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम थी। और आपने बोला फ्रूट सेलर है, तो भाई लॉजिकली इफ मेरे पापा फ्रूट सेलर रहते ना, सो मेरे पास तो भाई इतने पैसे ही नहीं है। ऑब्वियसली एक फ्रूट सेलर के बेटे के पास 40 लाख आए कहाँ से डुबाने के लिए, एक्चुअली वही प्रॉब्लम। और दूसरी बात, उसने और एक चीज बताई थी वो वीडियो के अंदर कि मैंने 10 लाख मेरे दोस्त से भी उधार लिए। कौन सा दोस्त 10 लाख लोन देता है? भी एक्चुअली भाई इधर तो हमारे दोस्त की औकात 10-20 हज़ार की है, ज्यादा से ज्यादा कोई कहाँ से अरेंज करवा के 50,000 दे सकता है, 10 लाख कौन देता है यार। वही तो।